इतिहास में बहुत सारे ऐसे पुरुष जन्म लेते हैं जो समाज को मार्गदर्शन के साथ साथ एक प्रतिमान स्थापित करके जाते हैं। ऐसे पुरुषों में से एक थे हमारे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति हो या साहित्य, सब पर एक बराबर पकड़ रखते थे और उन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। जानते क्यों? समन्वयवाद होने के कारण, सामंजस्य होने के कारण। और उसका सबसे बड़ा एक पैमाना ये देखिए कि मैं तो उनको तुलसीदास के सदृश, आधुनिक तुलसीदास की तरह समझता हूँ। भले राम पे कविताएं नहीं लिखी, लेकिन दृष्टि से, समन्वयवादी दृष्टि। उनकी एक कविता है जो हम लोगों के लिए प्रेरणा है और उसको हम आज आप लोगों को सुनाते हैं, जरूर सुनिए। और ये प्रेरणा इसलिए भी है, मैं एक कविता पढ़ने के बाद अगर आपको बताऊं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। उनकी कविता ये है कि आप निराश मन से जब रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनकी एक कविता मैं पढ़ता हूं तो बहुत उत्साह महसूस होता है। कविता है कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता, कदम जो मिलाकर चलना है ना, अपने निराशा और उत्साह से मिलाकर चलना है, अपने अंतर्द्वंद और संघर्ष से मिलाकर चलना है। ऐसी है हमारी सोच जो हमें प्रेरणा दे देती है। हम लगातार तैयारी करते हैं एग्जाम की या किसी भी कार्य में, जहां हम निष्फल हो जाते हैं, तत्पश्चात हम निराश होने लगते हैं, तो वो निराशा की जरूरत नहीं है। ये समझिए कि और संघर्ष करना है और उसी संघर्ष के बीच हमें कदम मिलाकर अपने जीवन के साथ निरंतर चलते रहना है। क्योंकि आप जानते हैं ना, एक बहुत प्रसिद्ध, आपने पढ़ा भी होगा कि वो बिना किए प्रयास ना मिलेगा कभी कुछ, और बिना तपाए स्वयं को ना मिल सकता है सुख, और बिना पिसे मेहंदी कभी लाल नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने जीवन में अटल जी जैसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते रहिए। धन्यवाद।